हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग, मेडिकल लाइफ ब्लॉग। आज है मंडे, काफ़ी दिन बाद पानी रुका है पीलीभीत में। वैसे तो 12 का दे रखा था कि 12 तक पानी बरसना है, आज 11 है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पानी रुक गया है। आज हम जा रहे हैं अपने गांव, आज हम आपको कराते हैं गांव का टूर। अभी तो फिलहाल मैंने स्लीपर पहना हूँ और मैंने ये वाली शर्ट पहनी है, अभी निकलता हूँ। हम निकल गए हैं घर से, आपको रोड दिखाएंगे, फिर विलेज वगैरह का भी टूर करेंगे। आज देंगे रश कितना है। चार दिन से बारिश हो रही थी, किसी का निकलना नहीं हो रहा था। आज निकले, सभी सोच रहे हैं अपने काम सभी निपटा हुए हैं। ये हाल है, देखे सब। ये परसों मैंने यही दिखाई थी तालाब, पूरे देखे इस रोड पे आ गया। देखिए इधर लेबल है, बस आए अगर बरस जाता तो रोड पे चलता है। ये सब ट्रेन जा रही है पीलीभीत की, दिख रही होगी आपको शायद। ये देखिए रश आज कितना है, 3-4 दिनों बाद ये सब खुला है। लोग कितने काम पेंडिंग में होंगे, सब निपटाएंगे आज। पानी पानी आज ब्लू है, पानी 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 है। देखिए वास्तविक जा रहा, मैं सीधे निकलना है, निकल सकते हैं मगर हमें जाना है इधर से पूरनपुर होते हुए का पोटा, वहां पर रोड इतना खराब है तो पानी बहुत है, तो इधर से निकलेंगे। रोड है तो कंजेस्टेड मगर सही है, मतलब इतना रश भी नहीं रहता उस पर, जो कंजेस्टेड हम बोले उसको। गोरमपुर से एक नहर से रोड गए, उधर से जाना है हमें, उधर से मेन रोड है, मगर वहां पानी इतना भरा होगा गड्ढे का अंदाजा नहीं रखता पानी में। चलिए ये है असम हाईवे। काफ़ी दिनों बाद तो मौसम खुला है, सभी के काम होते हैं, सब काम निपटाने भी होते हैं। मौसम हमें लग रहा फिर बनना बारिश तो 12 अगस्त तक को इंडिकेशन दे रखा ना, 12 तक पानी बरसना है, आज रुक गया है। देखो क्या रहता है, बैठी हुई है।
आग पुलिया बोलते हैं उसको, सराय। पानी कम है, देखो और पानी भरा हुआ है ये, बाकी ये रोड है पतला सा, फिलहाल यहाँ कहीं पानी नहीं मिलेगा। उस रोड पे तो बहुत पानी मिलता, फसल बर्बाद हुई है इस बारी, सब ये धान है पानी में डूबा हुआ है। देखिए ये देखिए सर, सब पानी पानी, अल्लाह रहम करे इस बार क्या होगा, बहुत नुकसान हुआ है इस बार किसान का। ये आगे केशवपुर की पुलिया, अब सीधे निकलेंगे तो हम पहुंचेंगे खजूरिया अपने गांव। अगर पोटा से आते, पोटा से भी दो रास्ते हैं, ये वाला है बिकन्नापुर होते हुए और एक और पंडरी होते हुए, अभी आगे केशवपुर, अब हम निकलते हैं खजूरिया के लिए। ये देखिए मोड़ आ गया है, ये हमारे गांव को जाता है। निकल जाएगी ना ये पूरा, देखिए गली बंद कर दी है सब, इधर निकलने का था बाघ का। ये आ गया अपना घर वाइट वाला, देखिए यहाँ से स्टार्ट है ना गाड़ी, खड़ी कर दी, ये थोड़ा सा वो नहीं है, कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, दो गेट हैं ये। ये गेट निकलता है बाघ को, ये देखो इतने बंदर यहाँ पे ऐसे कूदते रहते हैं सब। फिलहाल तो बड़ा अच्छा बाघ हुआ करता था ये,
अब दो पेड़ बच्चे, बाकी सब्जी भी हुआ करती थी। यहाँ पे एक नल लगा रखा है, पहले इधर कार खड़ी करते इधर से आते थे, सब इनने बंद करवा दिया। पड़ोसी ने अपने जिधर घर बना रखा है सबका। डंडे ले आना पड़ा, इतने बंदे रहे यहाँ पे। ये देखिए ये व्यू है, तो ये रहना पड़ोगा है, वो बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पे। ये देखा आप यहाँ का, ये आलू का पेड़ है। हम निकल गए, आप ये हमारे फिर का व्यू है, लोग ऐसे नहा लेते रोड पे। ये ऐसे रोड है यहाँ पर, हम निकल रहे हैं पीलीभीत के लिए। काम जो था वो निपटा लिया, चलते हैं दिखाते हैं आपको। हम तो जानते हैं यहाँ पर देखिए ये बजे रखा है स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर, इसलिए लगा दिए। बड़ा सही लगा, मतलब गांव में कंफ्यूज ना हो किधर जा कर लिया है जाना है, तो डर कर लिया के लिए इधर एरो दे रखा है, जा सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे ये बजे लगा रखा है जब पीलीभीत पूरमपुर रोड जो है एक्सेस करते हमने इधर एंटर किया था, और 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर या जो भी 9 किलोमीटर है एरो सही रहता है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा जो सॉन्ग वगैरह बोले, मजा नहीं आता। हल्का हल्का साउंड बोलता है, म्यूजिक सही रहता है। देखो रोड आगे फिर भी तो ना हम टर्न करते हैं लेफ्ट में, मुझे आ गया पूरा बोर्ड जिधर से हम टर्न नहीं होते वाला रोड आ गया। Da da da
गाड़ियाँ खड़ी कर दी, हम निकलते हैं घर के लिए। ये खड़ा है अपना टॉय रॉयल इनफील्ड। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर। मैंने आपको अपने विलेज की सैर कराई, जो भी शेयर करने का था शेयर करा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।